कुछ नहीं चलता है। और 1,20,000 बिल आ गया, 1,20,000 बिल आया है, कट गया है। हाँ, क्या कहे अधिकारी लोग? अधिकारी लोग भेटेबे नहीं करना तो गुड़वा काट लेती हैं हम। जेलिया में ठीक बा, कम से कम रोटी तो मिली है, नारे मरम नहीं ना। चाहतनी आपका कल चाहे चैनल हमारे सामने अगर पोलिप चाहिए तो गुड़वा काट ले, वो ये बैठल। तो अगर इनके साथ किसी प्रकार की कोई गलती हो रही थी, बिजली विभाग की लापरवाही है, तो मैं चाहूंगा इस लापरवाही को सुधारा जाए। लोग हम कि सर चलिए हमारा बिल जमा हो जा, वहाँ जाने के बाद जब आदमी जाता है बिल लेकर सर हमारा पैसा जमा कर दीजिए, हमारा ये परेशान है, इतने दूर से हम लोग बॉर्डर से आते हैं, तो वहाँ लापरवाही करते हैं लोग, कहते हैं चलो बैठो वहाँ पर आधा घंटा बैठो, उसके बाद आना तो आपका बिल जमा। आधे घंटे गरीब आदमी मजदूर आदमी जाकर आधा घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ पूछता है सर हमारा बिल जमा, कहेंगे लोग सर कल आइएगा। कितने बार वो दौड़ दौड़ के गरीब आदमी मजदूर आदमी जाएगा बिल जमा करें, वो भी कम नहीं होता। ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी महोदय आप भूल जाते हैं कि पंखे की हवा खाते हैं, और एक गरीब यहाँ के उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता जिनकी वजह से आपको तनख्वाह मिलती है, और ये बिल जमा करने जाते हैं तो इन्हें आधे घंटे 1 घंटे बैठा जाता है और उसके बाद भेज दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही है, और आप जैसे लोग बिजली विभाग को बदनाम करने पे लगे हैं। हेलो, चलो वहां जाओ, बाद में आना, बिल जमा होगा, अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में आना, कल आना, बताए गरीब मजदूर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में, और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के ये रघुनाथपुर ग्राम सभा में, जो कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत और गिधा चक बैरिया विद्युत हैडल क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ जो बहुत सारी भीड़ लगे हैं, और ये इस भीड़ का कहना है कि बिना बताए और इस कड़ाके की धूप में विद्युत कनेक्शन काट दिया जा रहा है। क्या सच्चाई है, किसके अंतर्गत विद्युत काटा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों काटा जा रहा है, इन सभी समस्याओं पर हम बात करेंगे। ग्रामीणों का क्या आरोप है बिजली विभाग के ऊपर, इन सभी चीज़ों को दिखाएंगे। तो आइए मिलते हैं। क्या मामला है भैया, क्या मामला है चाची? हमारे तो लाइन काट कम ना हेरे रही, हमारे तो बोर्ड ले आके लेकर जबरदस्ती लगा देने वालों, और घर में के बोर्ड निकाल देने वालों। हाँ, और नहीं 2,000 रुपया में लेकर। आपके क्या समस्या है? समस्या ही बा, अब बताए बिना कहने लाइन काट दल बना, आगे साधे सुनाई के ना मना, लाइन कट जाए तो बताए कैसे जनता खाई और रही, रात में छिपकली खा रहा चाहे कीड़ा मोटर काट, रात में कैसे रह जाए बताए। अब हम के कटले है के कट आगे के चिंचा मरई आई ना, 6 महीने आई ना काटे खातिर, जब जनता बोला ला जइयो साहब आई ला नहीं नहीं जई ना आई ना चम चमचा आई ला ना का आई ला ना का काहे काट देनी है, कुछ कहबो कहीं नहीं है, नहीं कुछ नहीं भइल है, काट के चले जा, काट के चल गेलो सब। बिल बिल कितना आइल बा आपके? अमर का पता नहीं है, रसीद मिलवाए के पता नहीं बा कहां बा, का कर रहे हैं? उस टाइम लगा था जिस टाइम राजू गादी वाला विद्युत वाला जो लगा था, एक बल्ब छूट था उस टाइम, वो उसका कोई न कागज मिला था, न कोई बिल था, न कोई उसका कागज, वो कुछ नहीं था। जब वो लोग आए हम लोग के, भाई हमारा कागज प्रूफ दे दीजिए, हमारा कागज देंगे आप सरकारी आदमी है, हमको कागज दीजिए, हमारा कितना बिल आया उस हिसाब से हम जमा करेंगे। अच्छा, बिना बताए काट दे रहे हैं, बिना और बिल, मिला। बिल के अभाव में या फिर ऐसे ही काट रहे, ऐसे काट रहे, पूछ नहीं रहे कागज है कि नहीं है क्या है, हम लोग बताए कि कितने लोगों का कटा है अभी तक? अरे आधा लोग का कट गया, आधा कट गया। क्या कर रहे हैं? फिरोज का, ये फिरोज का कटा है, उधर कटा है, आधा लोग को कट गया। जिनका कटा है उनका पेपर है क्या? जेकर जेकर कटल है उनका पेपर बा, उधर उधर उधर। अच्छा, बकाया एक मिनट, एक मिनट है, हेलो, जो अंत्योदय है, आया हमारा जो नाचिनाइन होता है, बोल तो रहा हूँ, जो अंत्योदय है, अंत्योदय पे जो है बिजली लगी है उसका माफ है, एक पैसा नहीं देना है। कौन मांगता है बिजली, बिजली बिल का कौन मांगता है? आप जाइए नरेंद्र मोदी से पूछिए, आदित्यनाथ से पूछिए। हाँ, आपका भी कटा है क्या? मेरा नाम है राधे श्याम। आपका भी कटा है? हाँ नहीं, मेरा नहीं कटा है, अंत्योदय का मैं बता रहा हूँ, अंत्योदय का बता रहा है, ठीक है। बात में अंत्योदय जो लगी है, सुनिए बताइए कितने लोग का कटा है? आज जो भी बिना मीटर कर लगा है सारे आधा लोग का कटा है। आप मामले पे बात नहीं कर रहे, आप मामले पे बात कीजिए, यहाँ के जेन्युइन बात कीजिए। अच्छा ठीक बात, आइए हम लेके चलते हैं, पूरा मामला दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ लगा है, और लोग आरोप तरह तरह का है अभी, लेकिन अभी जो जेन्युइन आरोप है वो खुल के सामने नहीं आया है, ये जनता का आवाज है, और हम ही चल रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती लगाने कनेक्शन ना हुआ के नाम से मालिक के
अब 2000 रुपया कटाई ले ले वालो, हम ना लई कम से हम नहीं रानी पैसो ले लेवानी कटाई पैसा 2000 रह ले वालो के ले लेबा पता नहीं के आइल हमारे से चिमचा लो पता भी नहीं है के ले लेबा पैसा कट भी गया है तो ये बताइए किसी के नाम से चार माई कटल ए हमार कल्ले कटल बा बेटा हां हां कनेक्शन भइल ला आपके नहीं कुछ नहीं ओइसे कंटिया मार के चलाओ ओइसे का नहीं आखिर कनेक्शन हमके देबा कि हां कितना दिन का पैसा आइल बा गुनाह हम कहतनी लाइनिया जोन जरावतनी हां कनेक्शन भइल बा हां के नाम से ओ बाणा घर मालिक बाणा बुढ़ाऊ अच्छा हां तो कितना बिलाइल बा अब बतलाइबे नहीं कैला देबे नहीं कर तू आकार दला लाइन तो बतलाओ कैसे दोस्त दगी बतला तू ही बच्चा बतलाओ माने पता नहीं क्या कितना बिल आइलो ए भैया चाची कह रहे हैं पता नहीं क्या कितना बिल आइलो बताइए कि जो है कि अब बिल जब आदमी देगा एक दिन का मौका देगा कि 4 दिन का मौका देना चाहिए ना 4 दिन का मौका देंगे कि भाई चलिए आपों का कटा है का नहीं हम लोग का आज काटने वाले थे तभी कितना बिल आया आप अभी हम लोग का कटा नहीं है आपका कितना बिल आया बिल अभी हम लोग का आया नहीं है बिल आता है हाँ बिल अभी नहीं आता है हम लोग का यही पहला ही चांस है कि जो है कितना आदमी कुछ लोग को आता है कुछ लोग का नहीं आता है आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है हमें लगता है कि पूरे गांव के लोग पूरे गांव के लोग यहाँ चल चुके हैं और ये विद्युत कनेक्शन जो भी काटे जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये जनता की आवाज है और हमें लगता है कि इतने लोग जब आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है आपका भी कटा है क्या कनेक्शन अब यादापुर से बाकी है बाकी यादापुर वहाँ से पूरा कटा है कितना बिल आया आप मंदिर का बिल कितना हम लोग 20,000 से ऊपर आया है 20,000 से ऊपर है 20,000 से ऊपर है काट दिया हाँ कटा नहीं अभी आधा पास कटा नहीं है हाँ इधर से कटा है बिल तो जमा करना है सबको वो तो है ही है जब समय आएगा भाई को होगा ना बिल ज्यादा रहेगा तो कट ही जाएगा इधर इधर कटा उधर नहीं कटा हम न दे डर लेबा यानी कि सूचना नहीं दिया गया और हम बता दें एक OTS योजना चल रही है वन टाइम सेटलमेंट जिसमें जिनका विद्युत बकाया बिल रहा है उनको किस्त वाइज करके किस्त वाइज करके विद्युत यानी कि विद्युत कार्यालय में उसे जमा कराना रह रहा है उसी के अंतर्गत इस समय गांव या ग्राम सभा में जांच प्रक्रिया चल रही है जो बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं लेकिन यहाँ क्या हुआ है किस प्रकार का मामला है कुछ लोगों ने बताया कि पेपर ही नहीं है यार किधर किसका कटा है अच्छा कहाँ हो जस कटल है तुहार के ना कटल 47,000 है 47,000 बिल आई लाइट जलेला नहीं कटा है इधर बिलवा जो आया है लाइनिया जलावे लो हाँ हाँ बिल कहने दे लो बिल हमको आई लोल हम रहा कागज भी नहीं मिला था हमको अच्छा यानी कि पेपर आपको नहीं मिलता था कोई निकालने आता था यहाँ बिल ये तो नहीं मालूम हमको आपका मीटर लगा है मीटर तो लगा अभी 8 महीना हुआ है 8-9 तो उसमें कितना बिल दिखा रहा हम बिल में हमको मालूम ही नहीं है तब कैसे कह रहे हैं 44,000 आए 47,000 कैसे कल निकाल कर हमको दिए हैं अच्छा इसके पहले कभी कोई बिल नहीं निकाला नहीं हमको नहीं मिला है जिस हिसाब से बता रहे हैं इस हिसाब से बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है इनका कहना है कि पहले कभी कोई आता ही नहीं था और आज हमको निकाल के दिया गया है 47,000 का बिल तो एक लापरवाही है और किसका कटा चाची आपका भी कटल बा नहीं कटल नहीं बा कितना बिल आयल बा अब बिल ना आयल बा हाँ कौन साल से हो गए बिल नहीं किया जमा अब है तो कितना दिन भय लगल है कितना 30 साल बिल नहीं आये 30 साल हो गए बिल नहीं किया नहीं नहीं तब तो चाची आपको बिल आई 1,00,000 कितना 1,20,000 रुपया 1,20,000 आई लाइन जला भी नहीं लाइनिया एक बल्ब जरला एगो चार्ज होला मोबाइल ना चार्ज बड़ा अजीब चीज है 1,20,000 बिल आया है पंखा मोटर कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं चलता है और 1,20,000 बिल आ गया 1,20,000 बिल आया है नहीं आप चलाते होंगे नहीं मीटर लगा है आपके वहाँ पूरे गांव से पूछे कितने मीटर लगा है आपके वहाँ हाँ मीटर लगा हुआ है तो आपका भी कनेक्शन काट दिया गया हाँ मेरा भी कट गया कट गया हाँ क्या कहें अधिकारी लोग अधिकारी लोग भेटे भी नहीं तो गुड़वा काट लेती हैं जेलियां साहब ठीक बा कम से कम रोटी तो मिली अनारे मरम नहीं न सरकार की योजना चल रही है OTS उसके अंतर्गत जो भी आपका बकाया धनराशि है सरकार कहाँ रही है
आज ले सरकार कहाँ रही है? सरकार तो योजना चला ही रही है। नहीं योजना चला रही थी, एक बार खाना खाई बैठी तो अटल जी एक स्कीम आता उसी स्कीम के अंतर्गत चला रही है सरकार। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये तक पढ़ाई नहीं भेल गाँव में। हाँ गाँव में आपका कल चाहते नहीं, आपका कल चाहिए हमारे सामने अगर पोले चाहिए तो गुड़बा काट ले वही बैठल। चाचा का आरोप है, मैं इस आरोप का विरोध भी करता हूँ। इस तरह का आरोप गलत है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या निवेदन करना चाहेंगे? सही कहेंगे जो कि नियम से हमको पर्ची दिया जाए, बताया जाए, देखिए आपको नोटिस दे रहे हैं फला तारीख तक हमको बिल जमा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा। आपों के कनेक्शन कटा है का? नहीं हमारा नहीं कटा है। कितना बिल आयल बा आपके? आयल बा 46,000। क्या नाम है? बहादुर। दो बल्लभ जरेला और 46,000 बिल आयल बा। कितना साल पहले बिल जमा के लिए? तीन किस्त जमा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले होता रहा था जमा कर रहा था। काहे इतना होता? यहाँ जितने लोग उपस्थित है सबका ही मामला है क्या? एक ग्राम सभा में पहले क्यों बिल जमा करत रहा की नहीं? पहले शुरू में भाई लाला दुफेरा, तब से आप लोग कहीं विरोध कर रहे थे जब बिजली कट रहा था? मौका ना मिला भैया, मौका ना मिला है। एक आध दो दिन का मौका मिली तब ना क्यों जमा करी? तुरंत अहिले तुरंत काट के चले, आदमी खेत में रहा। जेन्युइन बात है, यानी कि आपको मौका नहीं मिला कि बिजली बिल जमा करा किया जाए तब बिजली कनेक्शन काटा जाए। हाँ यही बात है, सही बात। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहते हमको मौका मिलना चाहिए, उसके बाद फिर काटे, हम नहीं जमा करेंगे तब तो। क्या नाम है आप? बसंत। कितना बिल है आपका? 8,000 रुपये। चलिए एक भैया निकल के आए, इनका कहना है कि पहले सूचित किया जाए और उसके बाद से हमें कहा जाए कि दो दिन के अंदर बिल जमा कीजिए या एक हफ्ते के अंदर बिल जमा कीजिए, तब हम लोग सुचारू रूप से तैयार होंगे और उसके बाद से आप कनेक्शन काट सकते हैं। कागज देखिए, कागज कागज उनके हाथ में, कागज हमें मत दिखाइए, हमारा अधिकार नहीं है देखने का। 600 रुपया हमारा यही है कि आप लोग ये जो भीड़ लगा रखे हैं इसका मतलब क्या है? भीड़ लगाने का मेरा मतलब ये है, और मेरे चैनल से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारी से भी कहना चाहूंगा, अगर इन ग्रामवासियों को, कौन सा गांव है? रघुनाथपुर के लोगों के साथ अगर किसी प्रकार का थोड़ा थोड़ा बिल जमा भाई लाते हैं तो परेशानियां हो दुनिया के जनता परेशान हो। चाचा सुनिए मेरी बात, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना बिल जमा करने की। आज जमा हुई तो बताइए, जब बिल इकट्ठा होगा तो भाई बिल बढ़ेगा। कागज होना चाहिए ना, उसका जो लगा हुआ है हम लोग का मीटर, आज तक किसी का कागज नहीं मिला ना उसका कोई। अच्छा जो आपके घर में मीटर लगा उसमें उसका पेपर नहीं मिला आज तक किसी के नाम से, कोई बात ही नहीं आया क्या उस मीटर में रीड करता है? करता लेकिन कोई निकालने नहीं आता, कोई बताता है उसका कागज खोजने में। हम लोग कहते सर इसका कागज दीजिए, हम लोग जिसके नाम से लगा है वो कागज कहते लोग आप लोग का कजा नहीं है। हाँ रसीद नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही आ रही है बिजली विभाग की। ये इनका कहना है कि हमारे वहाँ मीटर लगा है लेकिन उसका कोई पेपर नहीं है, और जब भी आते हैं मनमानी तरीके से वो लोग बिल निकालते हैं और कहते हैं कि बिल इतना बढ़ गया। ये भी एक आरोप है और इसको सुचारू रूप से सही करने का अधिकार भी आपको है। तो अगर इनके साथ किसी प्रकार की कोई गलती हो रही थी, बिजली विभाग की लापरवाही है, तो मैं चाहूंगा इस लापरवाही को सुधारा जाए। लोग हम 5 लोग के लेके गए थे कप्तानगंज सर, मेरी माँ चांदगुदी देवी है उसके नाम से मीटर हम लोग 6 महीना पहले लगवाए थे। 6 महीना पहले हम लोग मीटर लगवाए थे, आज जैसे आज ये बिल निकाला गया है ना, 10,000 कुछ रुपए है ना, इसके बाद जैसे 10,000 कुछ रुपए है तो क्या मेरी माँ के नाम से मीटर जब चेक किया गया ना तो मेरे माँ के नाम से नहीं है। अच्छा ये बिल आपका मेरी माँ का नाम से लगा है, वो मीटर किसी का और नाम थी। हाँ अकलू। हाँ पिता का नाम मेरे चांदगुदी अकलू का बिल है ये। मैंने मीटर किन के नाम से? मीटर जैसे पकड़ी को ग्राम सभा है किसी के और के नाम से है। उसके नाम से आपका मीटर लगा? हाँ। ये भी एक अब क्या कहा जाए, भ्रष्टाचार कहा जाए या बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही की जाए। ये भैया का कहना है ये रहते हैं ग्राम सभा रघुनाथपुर में और इनका बिल जो आता है ग्राम सभा पकड़ी का, यानी जनपद है लेकिन गांव अलग अलग है। ये बताइए ये रहते हैं
रघुनाथपुर बिल आता है इनका पकड़ी के नाम से। मेरी माँ के नाम ये क्लियर रहता तो हम इसको जमा कर दिए होते। मेरे माँ के नाम से रहता तो क्लियर में जमा कर दिए होते। चांदगुदी है लेकिन मीटर मेरे माँ के नाम से होता तो तुरंत हम जमा करा। वो मीटर किसके नाम से? वो पकड़ी किसी और के नाम से। यही तो है सिस्टम कि मीटर इनके घर लगा है रघुनाथपुर ग्राम सभा में और मीटर पे नाम दिखा रहा है पकड़ी ग्राम सभा का, किसी और अन्य ग्राम सभा का, तो ये बेचारे कैसे बिल जमा करें। तो मैं चाहूंगा इन सभी तथ्यों को गहराई से जांच हो और ओटीएस के अंतर्गत ये जब जांच हो रहा है बिल, तो बिल के अंतर्गत इन सभी समस्याओं को भी सुधारने का अधिकार आपको है और आप इस पे सुधारेंगे, जिम्मेदार अधिकारी इस पे एक्शन लेंगे तभी जाके इनके मीटर जैसी समस्या निखर कर सामने आएगी और सुधार किया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का भी आरोप है कि बिजली कहीं और जल रहा है, मीटर कहीं और चल रहा है। सर जाने पर कप्तानगंज जमा करवाने के लिए 5-6 लोग कहते हैं कि सर चलिए हमारा बिल जमा हो जा। वहाँ जाने के बाद जब आदमी जाता है बिल लेकर सर हमारा पैसा जमा कर दीजिए, हमारा ये परेशान है, इतने दूर से हम लोग बॉर्डर से आते हैं, तो वहाँ लापरवाही करते हैं। लोग कहते हैं चलो बैठो वहाँ पर आधा घंटा बैठो, उसके बाद आना तो आपका बिल जमा। आधे घंटे गरीब आदमी मजदूर आदमी जाकर आधा घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ, पूछता है सर हमारा बिल जमा, कहेंगे लोग सर कल आइएगा। कितने बार वो दौड़ दौड़ के गरीब आदमी मजदूर आदमी जाएगा बिल जमा कर, वो भी काम नहीं होता है, वहाँ पर परेशान हो जाता आदमी किराया भाड़ा लगाकर। ये भी देखिए बात करने के बाद अंदाजा लगता है कि भाई ये एलो ही गलती नहीं है बल्कि शासन प्रशासन भी गलत है। ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी महोदय आप भूल जाते हैं कि पंखे की हवा खाते हैं और एक गरीब यहाँ के उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता जिनके वजह से आपको तनख्वाह मिलती है और ये बिल जमा करने जाते हैं तो इन्हें आधे घंटे 1 घंटे बैठा जाता है और उसके बाद भेज दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही है और आप जैसे लोग बिजली विभाग को बदनाम करने पे लगे हैं तो इनकी बातों को गंभीरता से लेकर और रघुनाथपुर ग्राम सभा में आकर इसकी तह की जाँच की जाए और ऐसे ऐसे लोगों का निराकरण किया जाए। सर देखिए हम गए हैं कई बार लोग ले जाकर बिल जमा कराने के लिए। कितने लोग का बिल आप जमा कराए? 5-6 लोग हमने गया आग के सामने। मैंने कौन अधिकारी थे जो आपके साथ इस तरह अंदर बैठते थे? लोग जो मेन अधिकारी थे एक्सीएन थे, हाँ वही लोग जो बिल जमा, हाँ वही सब अंदर बैठते जहाँ जमा होता है। तो जाने के बाद इतना घमंडी से बतियाते हैं लोग, चलो वहाँ जाओ बाद में आना बिल जमा होगा, अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में आना, कल आने बताए। गरीब मजदूर आदमी यहाँ से साइकिल भाड़ा लगा 200-400 रुपया जा रहा है बिल जमा करने के लिए। आदमी मजबूर है, सरकारी वकील हो गए चाहे जो भी अधिकारी है, वो सही काम नहीं करना चाहते है, गरीब को भूतना चाहते है, गरीब को मारना चाहते है। ये भी एक अब क्या कहा जाए, मैं सब कुछ कह दिया कि अधिकारी इस तरह की बात करते हैं और धरातल पे आने के बाद इन्हीं का ही कनेक्शन काट दिया जाता है, जबकि ये बिजली जमा करने के लिए जाते हैं बिजली विभाग में जमा ही नहीं होती है, समय से नहीं करते और समय से नहीं करते और एक तो इनको बोलते हैं ये लापरवाही है और यहाँ जब विद्युत कनेक्शन काट दिए जाते हैं तो एक ग्राम सभा के लोग रोड पे उतर जाते हैं और कर्मचारियों पे हमला बोल देते हैं। मैंने सर मैंने और किसका कटा है और किसका, कोई कुछ और कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? ये जैसे कि अचानक आए, क्या समस्या है? अचानक आए और लाइन काट दिए। नहीं बिजली तो आप बिजली जलाएंगे तो अचानक आए या प्रिपेयर आए? हाँ। आपको बिजली बिल जो है जमा करना है? हम लोगों ने कहा कि अरे एक आध दो दिन का मौका दीजिए, उसके बाद हम लोग खुद जमा कर देंगे, फिर भी इन्होंने नहीं सुना तुरंत। अच्छा यार जी साहब आए थे? हाँ कल आए थे। आज आए थे? आज नहीं आए। कौन काट रहा था बिजली? हाँ तो उन्हीं के आदमी, जेई के आदमी आए थे 5-6 लोग, वो लोग काट रहे थे आज भी, लेकिन औरतों ने बोली तो ये भी तो आपको समय दिया जा रहा है कि आप विद्युत हेडिल पे आके संपर्क कीजिए और उसके बाद से पुनः अपने वन टाइम यानी कि ओटीएस के अंतर्गत अपना जो भी बकाया बिल है उसको जमा कर सकते हैं सरकार आपको, और एक तो छूट भी दे रही है आपको। हाँ तो वही ना, 15 तारीख तक डेट है। हाँ तो डेट है, आदमी जाएगा ना, आदमी पैसा तत्काल काट के रखा नहीं दे पाई, गरीब मना ही कहना सवाल कहना जे फिर यह हवा है कहना सामना गरीब मनाई हमन के बाबू लगवा दिए नी, ठीक लगवा दिए नी, जब हम फिर लगवा दिए नी तो अच्छा आई ना तो ओके टाइम देवे चाहिए ना, आवत कहीं हमन के मजूरा मने अपने खेते में बानी आके तुरंत लाइन काट ही देता ना, बताई गलती के कर बा बिल, बिल ज्यादा होगा गलती बा ना, बिल ज्यादा होगा तो काटेंगे, तो मौका देवे चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। क्या 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 कहना चाहेंगे? यहाँ ग्राम सभा के लोग इकट्ठा हैं, विद्युत काट दिया गया, कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं नहीं कर बिल आखिर जमा नहीं होगा तभी कट लाइट कटा होगा आखिर कारण आखिर होगा तभी ना बिना कारण का कट क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं जिनका बिल जमा है उनका लाइन ना काटिए आप लोग और जिसका नहीं जमा है उन्हीं का केवल काटिए अब ये नहीं हुआ कि आप पूरे गांव का ही लाइन काट दीजिए चेक करके चूंकि चूंकि मामला जो है बड़ा पेचीदा लग रहा है और यहां मामला बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है और मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि साहब इस ग्राम सभा में एक दिन बिजली विभाग के लोग समय निकाल कर यहाँ बैठक करें कैंप लगाएं और यहाँ के लोगों की समस्या सुनें क्योंकि यहाँ के लोगों की समस्या मीटर पे भी है कनेक्शन पे भी है पुराने कनेक्शन पे भी है बकाया पे भी है और जो लोग बिल जमा करना चाहते हैं उनके साथ शोषण होता है बिल नहीं जमा कर पाते हैं तो बहुत सारी समस्या है तो मैं इसी समस्याओं को लेकर अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं उच्च अधिकारी से कि आप लोग इस ग्राम सभा में एक बढ़िया से सुचारू रूप से बैठक करके और हो सके तो इन समस्याओं का निवारण तत्काल करें और जो भी हो जो लोग बिल पे करते हैं उनको सुचारू रूप से विद्युत दिया जाए और जो लोग अगर उसके अंतर्गत आते हैं ज़्यादा बिल के अंतर्गत आते हैं तो उनके ऊपर जो भी सरकार की योजना के अनुसार कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होनी चाहिए बाकी बने रहें हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ में ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए धन्यवाद।